खेतों की हरियाली पकी हुई फसल कितनी अच्छी लग रही है नीचे देखिए। बाप रे, रहने दो पिए, नीचे देखने से मेरा बीपी बढ़ने लगता है। ये भी आपको बीपी है? अरे बीपी तो कुछ भी नहीं, शुगर, पाइल्स, गैस, सभी रोग है मेरे भाई। इतने सारे रोग होने पर आपको हेल्थ मिनिस्टर किसने बनाया सर? अरे मुझे अच्छा आदमी देखने पर हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया था मुझे। क्या हुआ भाई पायलट सर, क्या आवाज कैसी है? अरे टेक्निकल प्रॉब्लम है सर। टाइम हो रहा है, जल्दी करो। अच्छा जल्दी ठीक करता हूँ सर। इतना बड़ा जनसमूह एकदम से लैंड हुए हैं हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर शेखर कपूर। किसी भी चैनल में फ्लैश न्यूज आ गई होगी, जनता दौड़ी हुई जा रही है। कमाल है, इस जनता का भी जवाब नहीं मेरे भाई। कब हेल्थ मिनिस्टर से सीएम की कुर्सी पर बैठा दे पता नहीं। आइए आइए, नमस्ते नमस्ते। अगर यही हाल रहा जनता का तो जिस पोस्ट पे हो वो भी चली जाएगी। मुंह बंद कर, कहाँ जा रहे मेरे भाई? आप मेरे लिए नहीं आए थे क्या? कौन है बेतू? हाथ छोड़। चाचा ये है जो। अरे शांत हो जा, ये सब भीड़ इतनी तेजी से कहाँ जा रही है? छोटे मालिक के लिए। छोटे मालिक? वो मंडल के अध्यक्ष है क्या? नहीं। मंत्री है क्या? नहीं। बाबा है क्या? नहीं। स्वामी जी है क्या? नहीं। मदर टेरेसा है क्या? सुनो भाई, अभी तुमने जो बोला है ना, उन सबको मिलाकर बने हमारे सत्य बाबू। कौन है वो? वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी, प्यार से हम उन्हें सत्य बाबू बुलाते हैं। आज उनका जन्मदिन है और हमारे लिए त्योहार है। देवा देवा ये कोई है अवतार, सत्पुरुषाय विद्महे सत्य संधाय विद्महे। जब जब धरती पे जुल्म और अत्याचार बढ़ा, तब तब मानव रूप में देव ने अवतार लिया। देवादि देवा देवादि देवा, देवा है देवा धरती के देवा, वंदनम वंदनम। देवा है देवा न्यायिक देवा, वंदनम वंदनम। धरती के देवा न्यायिक देवा, वंदनम वंदनम। देवा है देवा धरती के देवा, वंदनम वंदनम। ये कोई है अवतार, सत्पुरुषाय विद्महे संधाय विद्महे। सबके दिलों पे राज तेरा देवा, देवा
देवादिदेवा 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 धरती के देवा वंदनम वंदनम देवा है देवा न्याय के देवा वंदनम वंदनम ये कोई है अवतार सत्पुरुषाय विद्महे सत्यसंधाय विद्महे कभी कमजोरों को देना सहारा ना छोड़ू मैं कभी रूठो मुझसे अपना मेरी है ये प्रार्थना है जब तक ये जीवन मेरा फर्ज निभाऊंगा अपना जो देखा आपकी आंखों ने पूरा करूंगा वो सपना सच ही कहूंगा सच ही सुनूंगा वादा ये लाखों भीड़ वाली जनता कहां से आई है ये कोई मामूली आदमी नहीं है लाखों लोगों का सपोर्ट है इसको इसे अपने पार्टी में शामिल कर लीजिए मेरा पता साफ करने के लिए वो बंद कर इसको यहीं रहना चाहिए अगर हैदराबाद आया तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी कहां पर जाना है आपको होटल जाना है कितना हुआ 150 सर ये 500 रख लो थैंक यू सर होटल का बोलकर शमशान में जा रहा है उस जगह पहुंचने के लिए 30 कदम ये चला फिर यहाँ से 20 कदम उत्तर में जाना है यही वो जगह है जिसकी मुझे तलाश थी ड्राइवर ने बताया ना उसकी औकात से ज्यादा देने पर भी उसके पेट में बात बची नहीं पुलिस और ड्राइवर लगता है एक हो गए हैं बड़ी जल्दी समझ गए मुझे तुरंत पैसे चाहिए नहीं तू जो मेरे सामने खड़ा है और वो जो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं 5 लोग जो समाधि के पीछे छुपे हुए हैं सबके सब तुरंत यहाँ से चले जाओ बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो मगर ये तो बताओ ये लाठी किस लिए बूढ़ा है ना इस उम्र में इसको लाठी की जरूरत पड़ती है इसकी भी जरूरत नहीं होने देंगे ए, ये क्या है रे बहुत अच्छा है
कैसा लगा बच्चों मेरी बूढ़ी लाठी का पावर? टोटल झटका, तेरे लिए वो अल्टरनेटिव, उसके लिए वो अल्टरनेटिव, मेरे लिए नो अल्टरनेटिव, वन एंड ओनली। ए, मेरी बात सुनो, तुम दोगे तो पैसा ले लेंगे, नहीं तो जान से मारकर पैसा ले जाएंगे, जान से मारकर पैसा ले जाएंगे। और श्रीराम, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, ये एक कराटे का चैंपियन है, इसको मारने के लिए 10 लोग चाहिए, एक आदमी के बस की बात नहीं। नहीं, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मत मारो। रात को तुम्हारी कार में कितने लोग आए थे? एक ही आदमी था सर। दिखने में कैसा था? बहुत बुरा था वो। अरे मुझे मत मारिए। फिर बाकी लोगों का क्या हुआ? सर यहाँ पे ये शिकार मिला है। अजित काशी, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर, यहाँ पर। गलत आदमियों की जान लेने वाला, अच्छे आदमियों की जान बचाने वाला। ओ ए, तू कोई भी हो पर तू हमारी सीबीआई से नहीं बच सकता। ए, इतने सीरियस हो क्या? चलो अपने पास टाइम नहीं, चलते हैं। मधुलता, अभी एक आदमी ट्रेन में चढ़ा है, उसे देखा तो वो एकदम हट्टा कट्टा नौजवान नजर आ रहा है। क्या होगा? ये क्या बदतमीजी है, उठो, देख क्या रही हो, बुजुर्ग माजी खड़ी हुई है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? देखने में तो एजुकेटेड लग रही हो, कॉपरेट नहीं कर सकती क्या? ये उठेगी, आप बैठ जाइए। पके हुए लाल टमाटर जैसा है। तू डेंजर, निशा वो कुछ करे उससे पहले अगले स्टेशन पे तो उतर जाना। इतनी भीड़ में वो क्या करेगा? कुछ भी कर सकता है, लड़के बहुत फास्ट होते हैं। क्या वो फास्ट है? मतलब एक्शन यार। एक्शन? कुछ करेगा ना तब तुझे पता चलेगा। बाप रे, टाइम वेस्ट किए बिना ही ये तो चालू हो गया। क्या हुआ, हाथ लगाया ना? हाँ। कहाँ पर? कमर पर। कंट्रोल कंट्रोल, थोड़ी देर में और भी कुछ कर देगा। सच में करेगा क्या? खड़े रहके तो चुपचाप देखती जा। अरे वो बात नहीं है पगली, अब वो बहुत स्टाइल मार रहा है ना। हाँ, वो सब उसकी एक्टिंग है। ये लो बहन, अच्छे से दबाती रहना। वो बात नहीं है, कंट्रोल निशा कंट्रोल। क्या हुआ? हा? सीट की वजह से फील हो रहा है क्या? ऐसा नहीं है, लगता है ट्रेन में किसी की मदद करने की तुम्हें आदत नहीं है। मैं ट्रेन में पहली बार आई हूँ। देखा, ऐसे कोऑपरेट करने में कितना मजा आता है। यहाँ क्या मजा करते हैं? तुमने इससे ज्यादा एक्सपेक्ट किया था क्या? ये धक्का कैसे लगा? कंट्रोल कंट्रोल। हाँ वही तो, कंट्रोल नहीं हो रहा है। तुम्हारे दिए गए इशारे का कौन मजा नहीं लेना चाहेगा? ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है, लेकिन इसे कहाँ मालूम। मनुष्य का दिमाग हमेशा बैड क्वालिटीज। जान बच गई। अरे बाप रे, अगर मैं उसे लिफ्ट देती तो लगता है मेरी लाइफ में ही घुस जाता। क्या बात है, अब सब्जी बेचने का इरादा है क्या तुम्हारा? तुम ही रख लो बहन, दबाकर सारे फूल खराब कर दी। ए ए, दीदी ये लड़की कौन है इतने मॉडर्न ड्रेस में? बिल्कुल महालक्ष्मी जैसी लग रही है। इंसान को बुरा नहीं बनना चाहिए, उसे हमेशा
बुराई से दूर रहना चाहिए। लड़की खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़ाई में भी तेज है, डिसाइड कर लिया है। जल्दी से जल्दी तुम्हारे छोटे चाचा की शादी करने का समय आ गया है। चाहे कुछ भी हो जाए, दोनों को एक साथ मिलाना होगा। नमस्ते आंटी। कौन है आप लोग? मैं निशा हूँ, डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर हूँ। मैं कैमरामैन हूँ, मेरा नाम है मधु आमपट। और ये मैं होने वाला कैमरामैन हूँ। असिस्टेंट भी तो बोल सकता था। असिस्टेंट बोलते तो अच्छा लगता क्या? आप लोग किस काम से यहाँ आए हो? सत्या जी यहाँ आस पास के गांव को मॉडर्न विलेज बनाने का विचार कर रहे हैं। उनके ऊपर हम एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आए हैं। वेरी गुड। आप सत्या बेटा की दादी हूँ मैं। अंदर आइए, अंदर आइए सत्या बेटा। मैडम, क्या हुआ मैडम? अरे अरे क्या हुआ दीदी? ये क्या है, क्या आप हमारी मैडम को दीदी दीदी कहकर क्यों बुला रही हैं? दीदी कह के मुझे बुला रहे थे। आपको? अब मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये लड़की तुझे देख के बेहोश क्यों हो गई? तू इससे पहले कहीं मिला है क्या? बताया था ना ट्रेन में। ओ वो ये लड़की है, मतलब मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई है। क्या हुआ बेटी, बेहोश हो गई? खड़ी हो गई है। खड़ी होकर घूर क्या रही हो? दीदी पूछ रही है ना, जवाब दो। नो, ये अच्छा आदमी नहीं है, ये बहुत फास्ट है। फास्ट फूड टिफिन सेंटर। फास्ट फूड टिफिन सेंटर? फास्ट फूड टिफिन सेंटर आंटी। इस आदमी ने लोकल ट्रेन में मेरे पीछे खड़े रहकर मेरे लेफ्ट में हाथ लगाया था और मेरे राइट लेग को धक्का दिया था। रेल के धक्के का बहाना करके मुझे चिपक रहा था। सुनो बेटी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। गाँव वाले सब भगवान की तरह मानते हैं इसे। तुमने जैसे ट्रेन में देखा है वो ये नहीं है। करेक्ट दीदी, असली बात क्या बताओ? बिल्कुल इसकी तरह दिखने वाला इसका जुड़वा भाई रावण है। कौन सी नई कहानी है? अरे भैया ये सब क्या हो रहा है? नया नाटक है। इस तरह का नाटक मैंने फिल्मों में बहुत देखा है। दीदी ये क्या कह रही हैं आप? क्यों नहीं है क्या, बोलो। आपका बीपी बढ़ जाएगा, मैंने आपकी बात को कम न किया है। अभी तो मना नहीं कर रहा था क्या? क्यों मना करूंगा, तुमने कहा वो करेक्ट है, लेकिन 10 लोगों के सामने अपने बेटे की बेइज्जती करना सही बात नहीं है। हमें पागल समझ रहे हैं? मतलब उसकी वजह से तू अपना नाम खराब करेगा? सुनो बेटी, ये बहुत अच्छा लड़का है, लड़कियों को इज्जत देने वाली सारी खूबियां है इसके अंदर, इसी में है। अब वो किस लिए? चुप हो जा, मुझे बोलने दे। सिक्के का अगर ये अच्छा पहलू है तो वो एक खराब पहलू है, ये तारीफ के लायक है तो वो बुराई के लायक है, बहुत अच्छा है तो वो बहुत बुरा है, ये राम है तो वो रावण है। दीदी ये मेरा दूसरा बेटा गुंगा। ये गुंगा है और दीदी बोल रहा है? इसे दो ही बात आती है, एक बेबी और दूसरा बेबे। बोलो बेटा। बेबे। चुप कर। क्या हो रहा है दीदी यहाँ पर? ये एक और बेटा है, बिना मतलब के बीच में आकर क्या हो रहा है बेबी पूछ रहा है। इसे सिर्फ ओनली वीडियो नो ऑडियो। क्या बोल रही हूँ दीदी? मतलब कह रहा है तुम बह रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं था। बेटी एक बेटा गुंगा है, बेबे दूसरा बेटा बहरा है, पूरा खराब है। जो भी बोला पर करेक्ट बोला है। हो सकता है मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। सॉरी सर, यू आर सो ग्रेट सर। इट्स ऑल राइट। बात बन रही है, फिर इंटरव्यू लेने के लिए तैयार हो ना बेटी। अब क्या हो गया? उस रावण की वजह से मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची है, उसे यहाँ बुलाइए और उसे सॉरी बुलवाइए। वो है ही नहीं तो उसे कहाँ से बुलाया? ये तो कहा था कि वो है। इसके रहते वो कहाँ से यहाँ आएगा? क्या कहा जी? वही बात, इसे देखकर वो डरता है, इसके घर में रहते समय वो यहाँ आता ही नहीं है। वो सब मुझे पता नहीं, उसे यहाँ आना ही होगा। ये प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से आई है दीदी, अब क्या करें? रावण को प्रोग्राम बताना ही होगा। इसे देखकर मेरी बॉडी के अंदर हलचल क्यों हो रही है? फिर ये राम नहीं है, रावण है। तेरी दो ये तो क्या? पकड़ा गया ना, पकड़ा गया। छोड़, छोड़। नहीं छोड़ूंगी। पकड़ा गया ना, पकड़ा गया ना। छोड़। नहीं छोड़ूंगी। बेबी, मधु अंबर, विकी, रावण पकड़ा गया। हमारी मैडम बुला दी है। इस
निशा के हाथों से कोई भी बच के नहीं जा सकता। कहाँ जा रहे हो? हमारी मैडम ने बुलाया है। पहले उससे मुझे यहाँ पीछे से आते हैं। इसकी मम्मी मिर्च कर दो। छोड़ो मुझे, मुझे काम है। हाँ, पासपोर्ट करने जाना है। ऑर्डर लिए बिना उस दिन भी तुमने मेरे साथ ऐसे ही किया था ना? पहले उसका जवाब देकर जाओ। क्या करना है? उस दिन तुमने मेरे साथ जो हरकत की थी ना, उसके लिए पहले सॉरी बोल। दीदी माँ, सॉरी बोलेगा क्या? मेरा बेटा दूसरों से सॉरी बुलवा सकता है, लेकिन सॉरी बोलने वाला टाइप का बिल्कुल नहीं है, समझे? इज्जत से सॉरी बोलो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूंगी जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे। कोई फायदा नहीं, इससे अगर छुटकारा पाना है तो दीदी ने जैसा कहा था रावण बनना ही पड़ेगा। तेरी लोकल ऐसे उछल क्या रही है तू? मक्खन मखमल की तरह देखने वाली तू? ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ? मैंने कहाँ कहाँ पर हाथ लगाया? वहीं पे हाथ रखो, याद है उस दिन जहाँ पे रखा था। तुम्हारी कमर में कोई छूने जैसी बात है भी? हाँ, क्या कहा, याद करो। ये बात है, कमर में मैंने लेफ्ट साइड पे टच किया था या फिर राइट साइड में टच किया था? राइट साइड में टच किया होगा। मुझे देखने में बहुत शर्म आ रही है। छे, तुम्हारी कमर को देखकर बैड ओपिनियन आ रही है, पकड़ने पर पता ही नहीं चल रहा है कमर पतली हो गई है। हाँ, कमर पकड़ने के बाद मैंने क्या किया था? हल्के हल्के से हाथ को आगे बढ़ा रहे। वो धीरे धीरे सब जगह पे हाथ लगा लेगा। मुंह बंद करके सुनता रहे। इतनी बड़ी होकर ऐसे बोलती है, आपको शर्म नहीं आती? मिर्ची भर के मार दूंगी। ऐसे कमर पकड़ कर धीरे धीरे हाथ लगाया होगा, ऐसे ही किया था ना निशा? ऐसे ही किया था ना? सुनो, सिर्फ हाथ लगाने के लिए कहा था और कुछ नहीं? चिपक के गले लगाया था ना? चिपक के गले लगाओगे? किस भी किया था ना? किस? हे राम रे। Excuse me, राम नहीं है, राम का छोटा भाई रावण है। सर, राम का भाई लक्ष्मण था सर। प्लीज छोड़ दो, गलती हो गई जो तुमसे दुश्मनी ली। सॉरी 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 सॉरी। तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देता हूँ, अर्जेंट अपनी दुकान उठाकर यहाँ से चलती बनो। तू जवान लड़की को धमका रहा है? बात मत करो। तुम जैसा बोलोगी वैसा करने वाला मैं कोई राम नहीं हूँ, रावण हूँ मैं। ए, राम के नहीं होने पर तू आया है? अगर तू मर्द है तो राम के घर होने पर तू आ। उसमें क्या है, वो ड्रेस बदल कर राम अभी आ जाएगा। अब मधुलता, उस रावण की वजह से मेरी जिंदगी खतरे में नजर आ रही है। न जाए सही जुदाई, प्यार कर जा रहे हम मम्मी। मस्ताना आंखें है कातिलाना, होठ है पैमाना, तू है पटाखा, दिल तेरा दीवाना, पानी है आशिकाना, मेरा तू जाने जाना, तू है धमाका। गोरा ये गोरा बदन है तेरा शोला, बोलो ना बोलो ना बात दिल की बोलो ना, तेरे ये गाल गुलाबी, तेरी ये चाल शराबी, जो देखे हो जाए दीवाना। रूप तेरा मस्ताना, आंखें है कातिलाना, होठ है पैमाना, तू है पटाखा। Oh,
खोना, ये समा पल न खोना। जाना ना जाना, दिल से मेरे ना जाना। मस्त है ये जवानी, शाम है ये सुहानी, करे प्यार हम बेपना। रूप तेरा मस्ताना, आके है मैं खाना। I don't give a damn, do what you can, so beat it man. रूप तेरा मस्ताना, आके है मैं खाना। I don't give a damn, do what you can, so beat it man. इंटरव्यू शुरू करो। ए, सब लोग आ गए क्या? अभी नौकर नहीं आए सर। अब इंटरव्यू लेने आए हैं घर वालों का, उनके नौकरों का नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हर आदमी अपनी जिंदगी सेटल करने के बारे में ही सोचता है, क्या आप भी यही चाहते हैं? आप गांव की अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं, उसका उद्देश्य? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 23 घंटे अपने बारे में सोचकर सिर्फ एक घंटे गांव के बारे में सोचना चाहिए, ये दीदी का कहना है। मैं उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। आपका सही मार्ग? मुझे जो अच्छा लगता है करता हूँ, जो जनता को अच्छा लगता है वही करता हूँ। अकेले ही? मैं लाखों में एक हूँ, लाखों इंसानों में मैं एक। आपका लक्ष्य? जनता की सेवा करना, बॉर्डर पर इंडियन आर्मी, यहाँ पर ये सत्यनारायण स्वामी। बहन नींबू लाया हूँ, ताजे ताजे नींबू है अचार बनाने के लिए। मालकिन जी बाहर गई है, स्कूल में कुछ फंक्शन है। बे मातरम। दीदी दीदी क्या हुआ? दीदी क्या हुआ? और कितने दिनों तक जियोगे? ऐसे न मर सकते हो, न जिंदा रह सकते हो। किसने गुलामी की जिंदगी जी? तू आइए सब मिलकर आंदोलन कीजिए। आंदोलन करने से हम क्या कर सकते हैं? अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। क्या होगा तुम्हें? अपने धर्मों की रक्षा कर सकते हैं। हमें रक्षा करनी होगी, हमें रक्षा करनी होगी, धर्म की रक्षा करो। दीदी ये सब क्या है? अब तक तो बिल्कुल सही थी, तुम्हें कुछ नहीं होगा दीदी। दीदी को कुछ नहीं होगा, दीदी के लिए अभी मैं हूं, दीदी के लिए मैं हूं भैया, दीदी के लिए मैं हूं। अग्रवाल भाई जो मैंने कीधु तमे मंजूर छे ना? बहुत है, वधारे बोले छे मोड़ू जी। सांभळो, तमारी दीकरा तमारी बहुनी दररोज परेशान करी, आखर में मारी ज नाख्यो। जो थयो ए मर्डर नथी, नेचुरल डेथ छे, एवुं पोस्टमार्टम में लखवुं पड़े तो 1,50,00,000 आपवुं पड़े। सारू
તમારી વાત મને મંજૂર છે ચલો ગુજરાતી ગુજરાતી ભાઈ ભાઈ સમજી લો તમારે કામ પૂરો થઈ ગયો ચલો આવજો અન્યાય અનર્થ અન્યાય અનર્થ અનર્થ એ ગુજરાતી નહીં ये हिंदी मराठी तमिल मलयालम उड़िया बंगाली पंजाबी किसी भी भाषा में बात करने से पर मुझे समझ में आ जाएगा दीदी, क्या हुआ? वो डॉक्टर एक इंसान की हत्या को साधारण मौत में बदल रहा है छोड़ देंगे तो बहुत लोगों की जान चली जाएगी उसे जिंदा नहीं रहना चाहिए मरना होगा मुझे वचन दो मरना होगा मुझे वचन दो कैश मिल गया क्या नर्स से सारी बातें हो चुकी सर पोस्टमार्टम किसे देना है इसे हैंडओवर करने के लिए इसके घर वालों को बुलवा लिया मैं बोलता हूँ उसे टाइप कर लो डायलेशन प्रॉब्लम डायलेशन कंप्लीट नहीं होने के कारण बच्चा अंदर ही मर गया है माँ भी इसी कारण की वजह से बहुत डर गई थी बीपी रेस हो गई थी एकदम अटैक आने से मौत हो गई थी आप तो एकदम पक्के रिपोर्ट की तरह तैयार करें सर नहीं तो फिर इतने बड़े हॉस्पिटल का MD कैसे बनता रिपोर्ट ले लो आकर साइन करता हूँ डॉक्टर साहब रिपोर्ट ये लो खर्चे के लिए रख लो आदमी नहीं सुधर सकता रिपोर्ट में कहीं गलती तो नहीं हो गई है एक बार पढ़कर देख लीजिए क्या है सब क्या टाइप किया है औरत के बारे में टाइप करने को बोला था मेरे और MD के बारे में टाइप किया सोने दो हमारा टाइपिस्ट कहाँ है तबीयत सही नहीं थी हॉस्पिटल छोड़कर आया हूँ फिर तुम कौन हो डॉक्टर हूँ तू मरे हुए लोगों का पोस्टमार्टम करता है और मैं वो डॉक्टर हूँ जो तुम्हारे जैसे जिंदा लोगों का पोस्टमार्टम करता हूँ सर उसका बयान भी लिखा है पढ़ो रीड मैन रीड मेरा नाम अमन है मेरे पेट पर गहरी चोट लगने के कारण मेरा खून बाहर निकल आया बोलो भाई आपने दरवाजा खोलने के बाद क्या देखा स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भारी वजन गिरने से गर्दन की हड्डी टूट गई और कुछ भी नहीं है भाई तू यहाँ पर रखवाली करने के अलावा कहाँ गया था आयरन रॉड के कारण कंधे के नीचे गहरी चोट लगने के कारण हड्डियाँ पूरी तरह से टूट गई ये क्या है बुढ़ा हो गया हूँ ना पागलपन भी ज्यादा है पागल होने के बाद भी बड़े बड़े इंसानों का पागलपन ठीक करता हूँ जान से मारकर मरा है या नहीं टाल कर देखता हूँ तुम पागल नहीं हो जवान इंसान हो सुनो बेटा जवान लोग सोचकर काम करते हैं बूढ़े लोग काम करने के बाद सोचते हैं कम ऑन टेल मी जवान लोगों की तरह सोचकर मारूं या फिर बूढ़े लोगों की तरह काम करके सोचूं ए कौन हो तुम अगेन बेटा पहले पूछा जाने वाला क्वेश्चन लास्ट में पूछ रहा है लास्ट में बता रहा हूं इसलिए मुझे बताने में शर्म आ रही है ये तेरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है पढ़ नहीं पढ़ूंगा नहीं पढ़ा तो मार दूंगा डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने डॉक्टर ने खुद साइन किया है सच में साबे ओए कूल यार उसे पकड़ने के लिए भी बहुत टाइम है अच्छी पार्टी सेट की है चलो चलते सत्या मुझे बहरा और भैया को गूंगा रहने में मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है डबल रोल एक्ट करने में मुझे अजीब लग रहा है इन सब का कारण दीदी नहीं रावण है उस रावण के कैरेक्टर का डिजाइन करता हूँ प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी फिल्टर कॉफी है आओ सत्या एज ए राम मैं राम नहीं हूँ रावण हूँ रावण आया भागो इतनी जल्द राम को मारना चाहता है ओए राम तू घर पे रहेगा तभी आने के लिए बोला था ना आ गया मैं कब से वेट कर रहा हूँ कि तू कब घर वापस आएगा क्या करेगा बोल मारेगा काटेगा रावण आज या तो तू बचेगा या मैं बचूंगा शुरू से तो एक ही है ये अरे बाप रे अरे राम किसी लड़की के कहने पर अपने भाई को सॉरी बोलने के लिए मुझसे झगड़ा करोगे अरे रे रे इतने दिनों बाद हाथ आयो तुमने तो हमारी नाक कटवा कर रख दी एक औरत तेरी बुराई कर रही है जा तुरंत घर छोड़कर चला जा मैं क्यों जाने लगा इस घर में तुम्हारा जितना हक है उतना ही हक मेरा भी है इस घर पर मुंह बंद कर
इस घर में अगर रहना है तो उस लड़की को सवारी बोलना पड़ेगा। सवारी तो नहीं, आई लव यू कहो तो जरूर बोल सकते। अरे दोनों के झगड़े में तू बीच में मत जाओ, मत जाओ। अंदर जाने से क्या होगा? पता चल जाएगा कि दोनों आदमी एक ही है। सॉरी नहीं बोलेगा तो ये गुलदस्ता तुम्हारे सिर पर मार दूंगा। मारेगा? मार 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 जाता है या यहाँ से धक्के मार कर निकाल दूं? पहले मेरा भाई कितना अच्छा था, अब कैसा हो गया है? हाँ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सत्यानाश हो उसका, कभी शादी नहीं होगी। शादी से पहले ही उसको ये हो जाएगा तुम्हारा। ये मुझे कैसे पता चलेगा? मैं भी तो तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मरने के लिए मना कर दो। बेबे ये क्या कह रहे हैं भाई? मारो मत, ऐसा कह रहा है। अबे चुप, दीदी दीदी बोल रहा है ये। तुमको सब सुनाई देता है, बस पूछने पे ही बहरा हो जाता है। इज्जत से चला जा, चाहता हूँ आज से तुम्हारे लिए ये रावण मर गया समझो। क्यों बे, पीछे के रास्ते से क्यों जा रहा है? इतना सब कुछ होने के बाद मैं उनके सामने कैसे जा पाऊंगा, इसलिए पीछे के रास्ते से जा रहा हूँ। बहुत अच्छा सपोर्ट चल रहा है। कवरिंग क्या होता है? इसी रास्ते से दोनों को आना चाहिए था ना, वहाँ से क्यों एक रावण जा रहा है? इतना अपमान सहकर भी ये कैसे आएगा? सर आप जल्दी जल्दी में ड्रेस बदलना भूल गए हैं। ड्रेस? कौन सी ड्रेस? रावण की भी तो यही ड्रेस थी। अब उसके हाथ में रुमाल था, मेरे हाथ में रुमाल नहीं है। सर उसे ज्यादा तो नहीं मारा ना? और क्या करता मैं, सब आपके लिए किया है, कुछ तो करना ही होगा। आपको उसने सॉरी नहीं बोला इसलिए मैंने उसे मारा, बाहर जाने के लिए बोल दिया। उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं भैया। मेरी गलती की, तुम सॉरी क्यों बोलोगे? नो नेवर। तुम्हारा भाई रावण, घर में एक रावण है तो ये दूसरा रावण कहां से आ गया? फिल्टर कॉफी। ये दीदी माँ कहाँ गायब हो गई है? ये पर्दा किस? तू दोबारा यहाँ क्यों आया है? मैंने कहा था ना दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना, इसीलिए तो चेहरा ढककर आया हूँ भैया। अभी तुम्हारे अंदर आकर खबर लेता हूँ मैं। कौन हो तुम? तुम हो? मैं हूँ भैया। रावण कैसा है सर? दीदी की तरह दिख रहा है। दीदी की तरह दिख रहा है? वही दीदी जैसा ही है। आप दोनों को एक साथ देखकर मैं उनसे आशीर्वाद देना चाहता हूँ। सर मैं भी। दीदी रावण को देखना चाहते हैं वो? आने दे, दिखा देंगे उसे। जो भी रावण को देखना चाहता है वो यहाँ आ जाए जल्दी। ओके पहले मैं। रावण के दर्शन हो गए। दर्शन हो गए भाई, अच्छी तरह से हो गए। आना चाहोगे क्या? मैं आ रहा हूँ रावण जी। रावण बहुत पावरफुल है। और कोई रावण को देखना चाहता है क्या? मैं भी रावण को देखना चाहती हूँ। उसने आपको भी एक बार मारा था, उसका गुस्सा मैं भी देखना चाहती हूँ। देख लीजिए। ओए रावण, तुम रावण? मैं रावण नहीं हूँ, राम हूँ। नाटक मत करो, मुझे यकीन है तुम ही रावण हो। इतना सब नाटक करके तुमने मुझे यकीन दिला दिया है। रे तू ही वो शख्स है। रे रे क्या बे साला, हीरो बनता है? इधर देख, तू रहना रे।
भगा दिया। आपने उसे क्यों मारा? उन्हें? तो उसे इज्जत दे रही है? हाँ, चद्दर में रहकर मुझे सब कुछ समझ में आ गया। मुझे अर्जेंट रावण से मिलना है, मुझे उन्हें सॉरी बोलना है। अरे वो बात नहीं है, रावण से मुझे प्यार हो गया। उसने गलत काम किया था ना? अगर वो गलती नहीं करेंगे तो मार धोने का क्या फायदा? तो ट्रैक ही बदल दिया है। चलो ठीक है, कैसे भी करके मेरा प्लान काम ही कर गया। निशा, मैंने जैसे पहले बोला था ना बेटी, वो दो नहीं एक ही है। दीदी, बाप रे, दीदी, अरे बाप रे। हमें ये न्यूज़ सबसे पहले टेलीकास्ट करनी होगी। कम ऑन क्विक। आपका नाम क्या है माजी? विजय लक्ष्मी। वहाँ पर देखिए माजी, कैमरा वहाँ पर है। मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ। कैमरा मैन ज़ूम करो। आप कैमरे की तरफ देखकर बोलिए माजी। डॉक्टर के पास। किसका हादसा? हाँ। जब ये हादसा हुआ तब आपको कैसा महसूस हुआ था? हॉस्पिटल लेके बोलिए माजी, बोलिए। आइए वहाँ कवर करते हैं। हमें बचाइए। बोलिए माजी, यहाँ पर देखिए, आप किस पार्टी के हैं? प्लीज हमें बचाइए। हाँ बताइए। तुरंत उनको बचा लीजिए, वो मेरे बच्चे हैं। बचाना हमारा काम नहीं है भाई, ये काम पुलिस का है और एम्बुलेंस आ रही होगी। मदद के लिए पुलिस वगैरह अभी तक यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले स्पॉट पर हम ही आए हैं, कैमरामैन अविनाश के साथ विवेक चैनल 5। कहाँ जा रहे हो? अर्जेंट काम है, वहीं जा रहे हैं। चल अच्छा सा मेकअप कर दे अब। हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं? हाँ मैं बोल रहा हूँ। नमस्ते एमडी साहब। हाँ नमस्ते।
उस बॉलीवुड सेलिब्रिटी का इंटरव्यू एकदम अच्छा होना चाहिए। अच्छा ही होगा सर। सुनो, जवाब ना दे पाए उस तरह के एक के बाद एक सवाल पूछकर उसे टॉर्चर कर देना। उसी टॉर्चर में स्लिप होकर एक लूज जवाब देगी, उसी को हम एक दिन में 150 बार टेलीकास्ट कर देंगे। यूं सब इसे देखेंगे, इससे हमारी टीआरपी कहां तक जाएगी, समझ गए ना? कमाल कर दूंगा सर। मेकअप हो गया है, एक बार आईना देख लो। इतना गुस्से से बोल रहे हो, क्या जान लोगे यार? सूर्य, तुझे अपना चेहरा देखने में डर लग रहा है ना? कल ब्लास्ट में जो लोग घायल हुए थे उनके जीवन से खेलते हुए उनका इंटरव्यू लेने में डर नहीं लग रहा था? इंटरव्यू लेने की जगह तो उन्हें हॉस्पिटल में नहीं ले जा सकता था? तो अगर 5 मिनट पहले उन्हें ले गया होता तो सब बच सकते थे, डॉक्टर ने बताया। ए, तू कौन है? मैं नहीं जानता, प्रेस से खेल रहा है। रिपोर्टर से पहले मैं एक बहुत बड़ा गुंडा था। ए, क्या है रे तेरी गुंडागर्दी? लोगों का जीवन बचाने की जगह उन्हें मारकर आते हो? ये बूढ़ा तुम्हें मारकर दूसरों को बचाता है, समझा? अगर मैं एक घूंसा मारूंगा ना बेटा, सीट पर बैठे बैठे मर जाएगा। ऐसे डिफरेंट न्यूज लाकर और उसे पहले टेलीकास्ट करना होगा। हमारे एमडी ने ऐसे बोला था। एमडी कहाँ है? क्यों रे, अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अनेक भाषाओं में गंदे गानों को डब करके मिडनाइट नाम से सुबह दिखाते हो, संस्कृति को नष्ट कर रहे हो, लोगों की जिंदगियों से खेलकर अपनी ताजा इंटरव्यू की खबर बना रहे हो, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ओए बूढ़े, लगता है तेरा जाने का समय आ गया है। बेटा, तुम खबर शूट करके सबको दिखाते हो, मुझे शूट करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे गले का फंदा बन जाऊंगा। अभी तो एक ही मारे है सर, उसी में हिलकर यहाँ तक आ गए हो। मुंह बंद कर। सर, अगर यही गलती आपका छोटा या बड़ा भाई करता तो आप उसको ऐसे ही मारते क्या? अगर मेरे भाई ने की होती तो उसे क्या सजा देता, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब आप हमारे क्या करेंगे सर? ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। पवित्र मीडिया का फायदा उठाने वाला, पैसे को सब कुछ समझने वाला, जिंदगी की वैल्यू न समझने वाला, उसे व्यापार बनाने वाला एमडी भरत कुमार और इस काम में उसका साथ देने वाला गुंडा सहायक रिपोर्टर विवेक आज हमारे बीच में नहीं रहे। कृपया कोई दुखी मत होना, कैमरामैन भी मैं ही हूँ, रिपोर्टर भी मैं ही हूँ। जिंदगी से खेलने वालों की जिंदगी छीन लेता हूँ, जिंदगी को बचाने के लिए अपनी जिंदगी तक दे सकता हूँ। चैनल 5 से। जवाब दीजिए सर, पहले पुलिस, कल डॉक्टरों की मौत की खबर, आज टीवी रिपोर्टर एमडी की मौत, क्या कहते हैं आप? हमें अपना काम करने दीजिए, कोई खबर होगी तो हम आपको सूचना करेंगे। चाहिए, इनका मुंह बंद करने के लिए किसी अनजान आदमी को पकड़ के लाओ, बाद में देख लेंगे। ओके सर। पेपर। सेंसेशनल चैनल, चैनल 5 के न्यूज रिपोर्टर को सबक सिखाया। मेरे बेटे का ही काम है, मेरे छोटे सत्या का ही काम है। इस परंपरा की रिवाज को सब कुछ मेरे बेटे के अंदर भी आ गई है। हेलो, टाइम्स ऑफ इंडिया, प्रकाशन विभाग को कनेक्ट कीजिए। शादी मैं करवाऊं? अगर किसी को पता चल गया तो मेरा मंत्री पद भी चला जाएगा। रजिस्टर ही नहीं, जज ही नहीं, राज में तुम कहीं पर भी जाओगे तो यही परिस्थिति है सबकी। ऐसे क्यों बोल रहे हो अंकल? इस मुश्किल में तुम्हारा साथ देने वाला सिर्फ एक ही इंसान है, नहीं सिर्फ एक ही भगवान है। अंकल, तुम अपने प्यार की सच्चाई मन खोल कर उन्हें बताना, फिर प्रॉब्लम तुम्हारा नहीं, प्रॉब्लम उसका रहेगा। गाँव यहाँ से कुछ दूरी पर है, नाम वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी। सत्या जी,
हम दोनों आपस में प्यार करते हैं सत्या जी, दिख रहा है शादी भी करना चाहते हैं सर। तो कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लो। वो ऐसा है कि तुम्हारे घर वाले राजी नहीं है क्या? मिडिल क्लास फैमिली से है सत्या जी, मैं पिताजी के खिलाफ शादी कर रहा हूँ इसलिए हमें मारने के लिए गुंडे भेज दिए सत्या जी। हम दोनों शादी करके अपने प्यार को जिताना चाहते हैं, प्यार में हम जान भी दे सकते हैं सर। तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूँ, वेद मंत्रों के साथ तुम्हारी शादी मैं ही करवाऊंगा। ए! क्या उसके साथ तू बात कर रहा है? आवाज बंद हो गई है। ओए, ये सत्यनारायण का रामराज्य है, कोई भी सामने आया तो उसके हाथ पैर तोड़कर वापस घर भेजवा दूंगा। उसके बाद भी यहाँ आने का ट्राई किया तो साउंड नहीं रहेगा, हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएगा। हे, मुझे तो ये पागल लगता है। अपने रेंज के बारे में बताकर हमें डरा रहा है। हे, वो कौन है मालूम है? प्यार करने वाले। मैं कौन हूँ पता है? तुम सब इंस्पेक्टर, वो SP है। ड्यूटी निभाने की जगह सिविल ड्रेस में यहाँ आए हो, ये चमचागिरी क्या है? ए, तू कौन है? एक सच्चा देशभक्त हूँ मैं, देश के लोगों की जान बचाने वाला। नाम वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी है, गरीबों की सहायता करने वाला। तुझसे मैं कोई मतलब नहीं, उस लड़की को हमारी तरफ भेज दो। उसके लिए तुम यहाँ से जाओगे तब ना? ये नहीं मानने वाला, इसे हमारी पुलिस की मार दिखानी पड़ेगी। ए, कोई अपने दुश्मन को वीकनेस नहीं बताता, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मेरी एक वीकनेस है। मुझे शुरू करना तो आता है पर उसे रोकना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। भागना है तो अभी भाग जाओ, बीच में भागे तो भगा भगा कर मारूंगा सबको। पहले ही कहा था ना कि मुझे शुरू करना तो आता है लेकिन रोकना नहीं आता। ए, हमारा बैकग्राउंड क्या है पता है तुझे? जब मैं किसी के मुंह में हाथ डालता हूँ तो बैकग्राउंड अंडरग्राउंड नहीं देखता हूँ, डिसीजन लेने के बाद कंप्रोमाइज नहीं करता, कंप्रोमाइज करने के बाद डिसीजन नहीं लेता। ए, लड़के के पिता मंत्री है। तुम्हारे जैसे चमचों को भेजने वाले खर्चे से बात कराओ, कराओ। हेलो, मैं SP ठाकुर बोल रहा हूँ, मंत्री जी हैं क्या? और कितना वेट करना होगा? सर, अगर आपको उनसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लेना होगा। मेरी एक और वीकनेस है, मैं अपॉइंटमेंट देना जानता हूँ, लेना नहीं, समझ गया ना? उसे एक चांस दिया था, यूज नहीं किया,
कल इस सत्यनारायण स्वामी के गांव में इन दोनों के एंगेजमेंट है, मुहूर्त 10 बजे का। वाय और आकर मुझसे मिले, ये मेरा अपॉइंटमेंट है। बंती जी को अपॉइंटमेंट दिया है, उसका एड्रेस मालूम है? क्यों, तुम जाओगे क्या वहाँ? नहीं, उसका काम खत्म करवाने के लिए। उससे मिलना है। क्या आप जाएंगे उससे मिलने? हाँ शर्मा, सेवा करने वाले लोग सदाचारी होते हैं, बातों से बोलने वाले लोग नए आदमी होते हैं। फेम में रहकर व्यक्ति करेक्टर को बाहर निकालकर जनता के लिए अच्छा करने की सोचकर प्रयत्न करने वाले लोग और भी नए इंसान होते हैं। अगर वो समझदार इंसान हुआ तो मेरे जाने के बाद वहां मारा जाएगा, अगर नहीं समझा तो मेरे वहां रहते हुए मारा जाएगा। शर्मा सर, टाइम कितना हुआ? 9:30 बज रहे हैं। 10 बजे का टाइम देकर अभी तक नहीं आया। अपनी मौत का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहा है, आता ही होगा। क्यों रे, और कितनी देर तक वेट करना होगा? ओ एसपी सर, और कितना वेट करना होगा, जल्दी बताओ सर। जमीनी तूफान है। आ गया, आइए सर, तुम ही हो सत्यनारायण। नहीं, नमस्कार मत करो, पलट के मुझे भी करना पड़ेगा। ओ, तुम्हें भी मेरी इज्जत का ख्याल है? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? मुझे टाइम देकर तुम टाइम पर नहीं। नहीं, मेरी एक और वीकनेस है, मैं गुस्से में जल्दी आ जाता हूँ। जो मुझे मारने की सोचता है वो खुद ही मरने लगता है, ये बात याद रखना। और सुनो, कल तुमने अपॉइंटमेंट लेट दिया था इसलिए मैंने एंट्री लेट की। एंट्री भले ही कितनी लेट की हो, मगर जाते हुए तू लेट के जाएगा, एक एक हाथ पर अलग करके भेजूंगा। क्या कर लेगा तू? मैं क्या करूंगा नहीं बोलूंगा, मगर तू क्या करेगा बता दे। क्या करना सही होगा ये मैं डिसाइड करूंगा। क्या तू डिसाइड करेगा? ये प्रताप राणा असेंबली में रहते वक्त बहुत सॉफ्ट रहता है, बाहर आते ही वायलेंस हो जाता है। अभी दिखा दो, प्रैक्टिकली मेरे साथ जो सिक्योरिटी आए हुए ना, 40 आदमी है। पर्सनल लेकर आए बॉडीगार्ड 30 आदमी, जेड कैटेगरी में 10 आदमी है। इन सब के हाथ में 20 मशीन गन, 10 AK-47, 20 रिवॉल्वर हैं। एक इशारा किया तो सारी बुलेट तेरी बॉडी को पीस पीस के रख देगी, तू डिसाइड करेगा। मैंने जो लिस्ट दी है उससे तुझे डर नहीं लग रहा है? प्रताप राणा, मैं तुम्हारे पास आया हूँ या तुम मेरे पास आए हो? मैं ही तुम्हारे पास आया हूँ। तो फिर डरना किसको चाहिए? दो मिनट तक कॉलर ऐसे ही पकड़ कर रखोगे तो साबित हो जाएगा कि तुम असली मर्द हो। सर, उधर देखिए। लाखों लोगों की भीड़ आ रही है, हाथ लगाया तो यही दफना देंगे। हाथ बताइए। बस इतनी मर्दानगी है तुम्हारे अंदर? आदमी लेकर आया था ना, तुम्हारे पीछे जो लोग हैं तुम्हारी पोस्ट से डरकर आई हुई भीड़ है। मेरे पीछे जो लोग हैं मुझे चाहने वाली भीड़ है। ये इसमें कोई मजदूरी करने वाला है, कोई दूध बेचने वाला है, बर्तन बनाने वाला कुमार है, प्यार करने वाला बड़ा भाई है, राखी बांधने वाली बड़ी बहन है, छोटी बहन भी है, और इसमें तुम जैसे लोगों को ऊपर पहुंचाने वाले खतरनाक लोग भी हैं। अपने हाथों से रोज मेहनत करने वाले, अपने लोहे जैसे हाथों से, फौलादी हाथों से एक दिन अपने सब काम छोड़कर अपने अपने हाथों में औजार उठा लिए तो ये दोबारा इलेक्शन होना है। इतनी सारी जनता की भीड़, कौन सी जात का है? जात का नाम लेकर भड़काना चाहता है तो फिर सुन, मेरा परिवार ब्राह्मण का परिवार है, दौलत मेरे पास खानदानी है, मुंह से हमेशा अच्छे शब्द ही निकलते हैं,
मैं कष्टों को सहने वाले दलितों का, कुम्हारों का, लोहारों का, सुनारों का, नाई ब्राह्मणों का, बनिया यादव सबका भाई हूँ मैं। दुश्मनों के लिए रावण हूँ, व्यक्तित्व का राजकुमार हूँ, माँ का दुलारा बच्चा हूँ, शान में एक रेड्डी हूँ, ताकत में एक योद्धा हूँ। सब जातियों को मिलाकर बनाइए वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी। कब तक जाति के नाम पे लड़ाओगे? जनता भाईचारे के साथ रह रही है, उसे अलग मत करो। इसी जनता की भीड़ ने अगर गुस्से में आकर एक आवाज लगाई तो सर सर मेरा ऑडियो गया। उन्होंने अगर एक्शन शुरू किया तो हमारा वीडियो भी चला जाएगा। क्या खाली मुंह चला रहा है? क्या खाली मुंह चला रहा हूँ? आपका ऑडियो भी गया क्या? उनका कहना सही है ना? क्या बाप रे, सबके ऑडियो गए। प्रताप राणा, यहाँ से जिंदा वापस जाना है तो एक ही रास्ता है। अपने मुंह से मंत्र पढ़कर इनकी शादी पक्की कराओ। मैं इसमें गलत क्या है? स्वच्छ संपूर्ण ब्राह्मण घर में जन्म लिया है, मंत्र पढ़कर शादी करवाने से पुण्य और प्यार ही मिलेगा। ए, बुरा स्टेट सैल्यूट मारने वाले मंत्री को मैं मंत्र पढ़कर उसकी शादी पक्की करूं? करता हूं, इस गांव को ही बर्बाद कर दूंगा मैं। अरे सर, नो नेटवर्क क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है? ये क्या कोई रेगिस्तान है? जहाँ जाते हैं वहाँ पे टावर मिलेगा, यही बोलते हैं ना? हाँ सर, वहाँ टावर पर जिस तरह गोड़ पर मक्खी चिपकती है आदमी चिपके। सर देवादी देवा, देवादी देवा। अगर यहाँ से बाहर जाना है तो मंत्री एक रास्ता है, पढ़ दीजिए जल्दी से पढ़िए। मंत्र यहाँ पे मंत्र पढ़ना ही होगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरुमेदेव सर्वकाय सुसर्वदा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसे निपट लूंगी। मेरे हैंडसम इस भवानी को एकदम से चुभने वाला कांटा अच्छा लगता है। कड़वा होने पर भी करेला अच्छा लगता है। जहरीला बिच्छू भी मुझे अच्छा लगता है। मुझे तेज धूप भी बहुत अच्छी लगती है, पर उन सब से तुम बहुत हॉट हो। ओह मेरे हैंडसम। अब जाओगी यहाँ से? आंखों के सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी है, तुम उसे जरा भी भाव नहीं दे रहे हो। तुम्हें अपना बनाना भी एक चैलेंज होगा। कम समय में ही मेरे बारे में बहुत ज्यादा जान लिया तुमने। इस भवानी से शादी कर लो, इस पूरे स्टेट के दामाद बन जाओगे, पोजीशन का भी मजा ले सकते हो। ओ, मंत्री की लड़की हो। लड़की उस पद का ही भरोसा नहीं है, उसके द्वारा मिलने वाली पोजीशन पर कैसे यकीन कर लूं? दिल की गहराई में समा गए हो, इस बात को सुनकर ही तुम्हारे साथ रहने का मन कर रहा है। ए, तुम किस मिट्टी से बने हो मेरे हैंडसम? ओ इंडियन। ये है इंडियन,
तुमने जैसे बोला था वैसे ही एक आदमी को लेकर आया हूँ। प्रेस वालों को बुलाता हूँ, उसको नकाब पहना। नकाब के साथ ही लेकर आया हूँ। ये कैसा अन्याय है? मैं अपने गांव में दोस्त से मिलने आया था और तू मुझे चोर बनाकर ले आए। तू चोरी नहीं, एक खूनी भी है। ये बात प्रेस के सामने बोलनी होगी। मैं नहीं बोलूंगा। ए, नहीं बोलेगा तो मारा जाएगा। कहीं देखा हुआ चेहरा लग रहा है ना? सीबीआई चीफ के हो जाए, यहाँ पर स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया हुआ है। सर, ये हादसा जो हुआ है वो किसी और के घर में नहीं, हमारी ही फैमिली में से हुआ है। ये सोचकर उसे पकड़ने के लिए मैं एक पागल कुत्ते की तरह घूम रहा हूँ। रिपोर्ट्स कहाँ हैं? जान से खेलने वालों की जान ले लेता हूं मैं। इस एविडेंस को देखकर सब हादसों का एक ही रिलेशन है। सभी हादसों में एक ही सवाल नजर आ रहा है, जान को बचाने वाले आदमी नहीं इस हादसे को अंजाम दिया है। सो हत्या करने वाला अलग अलग इंसान नहीं है, एक ही है। एक ही है? इतना ही नहीं, उस टैक्सी ड्राइवर ने जैसा कहा है वो बूढ़ा आदमी नहीं है, एक जवान इंसान है। लेकिन उसकी वीकनेस ही हमें उस तक पहुंचाएगी। जहां जान को खतरा होता है वहां वो बचाने आता है। ये एक विचित्र तरह का केस है। ये औरत हॉस्पिटल में अपने बच्चे को कोमा में घुट घुट कर मरते हुए नहीं देखना चाहती है, इसीलिए अपील की है। कारण है गरीबी, हॉस्पिटल के खर्चे के लिए पैसे नहीं होने के कारण वो अपने बच्चों को खुद जान से मारना चाहती है, इसीलिए उसने कोर्ट में अपील की। कोई जगह ना छूटे, सब जगह माइक्रो कैमरा लगा दिए है ना? यस सर। क्रिश, किसी पर शक हो तो उसे तुरंत अरेस्ट कर लेना। ओके सर। सबकी नजर एक ही जगह पर होनी चाहिए। वो यहाँ पे आएगा क्या के? डेफिनेट आएगा, यहाँ किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। बी अलर्ट। एक माँ के दुख को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कानून के तहत और भारतीय होने के नाते आत्महत्या करने की अनुमति नहीं दे सकते। आपके बच्चों का पालन करने की जिम्मेदारी आपकी है। ये केस को मैं खारिज करता हूँ। आप कानून बदल दीजिए, मैं उसे तड़पते हुए नहीं देख सकती। छोड़ मुझे, कानून नहीं बदलूंगा, वो बच्चे तेरे ही हैं। मार दे उन्हें, किसी को पता नहीं चलेगा। नमस्ते जज साहब। कौन हो तुम? मुझे अपने बारे में बताने की आदत शुरू से ही नहीं है। आपने जो न्याय किया है उसमें एक छोटी सी गलती है, उसे सही कर लीजिए, यही कहने आया हूँ। मुझे न्याय सिखाएगा? वो बात नहीं है। ज्यादा बोल रहा है। ए, तूने जो न्याय किया उसमें क्या गलती है पता है? माँ को ही बच्चे की देखभाल करने के लिए कहा, उसका पालन न कर पाने के कारण माँ ने अपने बच्चे को जहर दे दिया और खुद भी जहर खा लिया। तो इसके जिम्मेदार तुम हो गए, समझे? अगर कानून भावनाओं में बह गया तो इंसाफ कैसे होगा, कैसे न्याय करेंगे? होल्ड योर टंग। न्याय का फैसला न करने वाला न्यायाधीश ही नहीं, न्याय को मारने वाला राक्षस भी है तू। मानवता का साथ न देकर जान की रक्षा करने की बात करके तूने बहुत बड़ी गलती की है। लॉ इज नॉट बोर्न इन बुक्स, इट कम्स फ्रॉम सोसाइटी। कैप्शन अच्छा है पर अमल में नहीं आता। ये बूढ़ा कौन है, डायरेक्ट जज साहब के पास जाकर जिंदगी के बारे में आर्ग्यूमेंट कर रहा है? कहीं ये वो तो नहीं? बॉयज, ज्यादा बोला तो किसी न किसी केस में फंसा कर जेल भेज दूंगा। ऐसी पवित्र जगह पर तेरे जैसे इंसान का कोई काम के? यहाँ तुमने जो बोला था बूढ़ा भी नहीं और जज भी नहीं है। शिट, लॉ इज नॉट बोर्न इन बुक्स, इट कम्स फ्रॉम सोसाइटी। ये बूढ़ा इतनी दूर लेके कैप्चर को बिना रुके धड़ पढ़े जा रहा है, ये बूढ़ा है क्या? कृष्ण सर, इस बूढ़े को जवान में बदलो। ओके सर। के, मैंने इसे कोर्ट के बाहर देखा था। यस, कोर्ट के कॉरिडोर में मैंने भी देखा है। एमएसजी, हे मुन्ना, मुझे तुरंत इसकी डिटेल चाहिए। वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी। तूफान। के, कल ही हम जाकर उसे अरेस्ट कर लेंगे। तुम जाओगे लेकिन वापस नहीं आओगे। ऐसा क्यों? उसकी ताकत वो गांव और उस गांव के लोग हैं। सो उस गांव में दिन में जाकर उसे पकड़ना बहुत मुश्किल काम है, यही सही समय है। इतनी रात में? हमारे पुलिस वाले रात के 2 बजे उस गांव के सब घरों में ताले लगा देंगे, रात और रात सभी लोगों को अरेस्ट कर लेंगे।
ऐसा होगा तो ही हम उसे अरेस्ट कर सकते हैं। मैं काशी बोल रहा हूँ। ओके काशी। शर्मा सर, उस सीबीआई को काशी के बैस से मरवा दूंगा। उसी समय मैं अपने बेटे को भी मरवा दूंगा। वो आपका बेटा है सर। जन्म देने वाले को मारने का हक भी मुझे ही मिलना चाहिए। ए सर, उस वीर सत्यनारायण को जानवरों की तरह काट काट कर मार मार कर फेंकने के लिए, जिसके लिए मुझे कुछ बहादुर और तगड़े इंसानों की जरूरत थी, इसलिए मैंने केरला से कुछ गुंडों को बुलवाया है। सालों बाद मेरी सालों से भक्ति सुन ली भगवान ने। शारदा, शारदा, एए, कौन है तू? बात जोड़ने के बाद बताऊंगा कि मैं कौन हूं और तुम जो बोलोगे वो भी सुनूंगा। एए! साउंड पोल्यूशन मत करो बेटा, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं मामूली तरह से जब मारता हूं तो आदमी तुरंत मर जाता है, स्वर्ग की तरह। गुस्सा आने पर आदमी को जानवर की तरह मारता हूं, नरक की तरह। अभी सैंपल देखा था ना, स्वर्ग जैसे या नरक जैसे। Thank you.
कौन हूं बताऊं क्या? तुम कितने आदमी हो? 50 आदमी। डबल डिजिट। मेरी तरफ कितने आदमी हैं? अकेले हो। सिंगल डिजिट। 50 आदमी यानी डबल डिजिट को एक सिंगल डिजिट जानवर की तरह मारे तो उसे क्या कहते हैं? अकेला मर्द। Here you are। रोज सूरज एक ही जगह से एंट्री करता है। इस अकेले मर्द की एक ही जन्म में ये दूसरी एंट्री है। जहां जान लेने की कोशिश की जाती है वहां पर मैं प्रकट हो जाता हूं। ये मेरी सेकंड इनिंग है बेटा। अकेला मर्द, उम्र 1 साल। युद्ध फिर से शुरू हो गया। ओए, रात को आके हमारे सत्या जी को अरेस्ट करते हो? अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो इस गांव के सब लोग मिलकर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, समझे तुम? याद रखो। अरे सत्या बाबू, हमें चाहिए। उन्हें कहां पर रखा है बताइए, नहीं बताओगे तो आग लगा देंगे। अरे डॉक्टर को फोन किया क्या? हाँ कर दिया है। सत्या कुछ कहना चाहती है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। सत्या, ये आप ही का नाम ले रही है। पहले जैसा ठीक कर दो भगवान। क्या हो गया? मैंने भेजा था 50 मलयालियों को, क्या हो गया उनको? पता नहीं, उसे किसी अनजान आदमी ने मार दिया। पता नहीं वो कौन है। जान अटक रही है शर्मा, उन लोगों ने अगर अपना मुंह खोल दिया तो मैं तो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद रहूंगा। दिल्ली की जेल नहीं सर, बॉम्बे की जेल में जाना। वहाँ जाने से डॉन से मुलाकात हो जाएगी। सर पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए सर। वो सत्यनारायण स्वामी सीबीआई वालों की आंखों में धूल झोंक कर उन 50 आदमियों को ले गया। अगर ये बात सही है फिर मुझे टेंशन नहीं होगी। क्यों? उन सीबीआई के हाथों उनके साथ साथ सबूत भी खत्म हो जाएंगे। ओ डैडी, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? वो सीबीआई के हाथों में है आप ऐसा समझ रहे हो, लेकिन वो जल्द ही मेरे प्यार में फंस जाएगा। वो मेरी सांसों में है, वो मुझे अपनी बाहों में लेकर चूम रहा है। जैसे ये धरती आसमान को छूना चाहती है, मैं तुम्हें छूना चाहती हूँ। जैसे ये खुशबूदार पानी मेरे बदन को छू रहा है, वो भी बिना किसी डर के मेरे शरीर के एक एक अंग को छू रहा है। जैसे ये आग जल रही है वैसे ही मेरा सारा शरीर जल रहा है। देखो आकाश में बादल समा गए हैं, वैसे ही तुम मुझ में समा जाओ। फर्स्ट टाइम मुझे शर्म आ रही है। उसे अपने प्यार में बांधने की शक्ति सिर्फ एक ही में है और वो मैं ही हूँ। ये मेरा प्यार है या पागलपन? ओ मेरे हैंडसम। ओके सत्यनारायण स्वामी, बोलो तुमने शमशान में इंस्पेक्टर सुरेश की किस वजह से हत्या की थी? मैंने हत्या नहीं की है। इंस्पेक्टर सुरेश की हत्या वाले दिन तुम शहर में आए थे। बहुत से लोग आते जाते हैं। हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलते समय तुमने डॉक्टर की भी हत्या की। डॉक्टर को मैंने नहीं मारा, ये झूठ है। बहू को मारने वाले ससुर की जरूर पिटाई की थी, ये सच है। बॉम्ब ब्लास्ट शूट करने गया रिपोर्टर और एमडी को भी तुम नहीं मारा था। चैनल के एमडी को मारना भी झूठ है। बम जिसने रखवाया था उसे मारा था, ये सच है। हाँ, उसे लेकर गए, ये भी सच है। मारा, ये भी सच है। ये हत्या है या नहीं ये पता करने के लिए इंटरोगेशन है या कबूल करवाने के लिए इंटरोगेशन है?
इंटरोगेशन में सच्चाई क्या ही है पता करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इसको मेरी वीकनेस मत समझना। इज्जत से। क्वाइट। सर। यस। आपसे मिलने के लिए एक आदमी आया सर। भेज दो। तो आप गलती की सजा देने वाला मर्द होता है, गलती होने से पहले ही रोकने वाला मैं अकेला मर्द हूँ। उम्र एक। के तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ, हत्या करने वाला भी मैं ही हूँ। मिस्टर सत्यनारस्वामी, हत्या करने वाला असली आदमी हमें मिल गया है। कुछ चीजें आप दोनों की एक जैसी होने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग, सॉरी, आप जा सकते हैं। के वो कौन है? बेटा, तुम्हारी इच्छा और आलोचना के बारे में सुना था। दीर्घ आयुष्मान भव। नमस्ते गुरुजी। आप कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन आपका और मेरा रास्ता एक ही है। लेकिन बस एक शिकायत है। वो क्या बेटा? गलत करने वालों को वार्निंग देना हमारी ड्यूटी है, लेकिन उन्हें मारकर आप भी गलत कर रहे हैं। ब्रिटिश शासन अभी तक गया नहीं। क्या गलत है क्या सही ये जानने वाले तुम जूनियर हो, मैं सीनियर हूं। बेटा, गलत काम करने वालों को सजा भी तो तुम भी दिया करते हो। उन लोगों को संसार से हटा दो, ये मेरी सोच है। गुरुजी, आपकी बातें सुनकर लगता है जैसे कि मैं अपनी आत्मा से बात कर रहा हूँ। सुनकर कुछ इंस्पिरेशन भी मिल रही है। कभी ना कभी तुम भी मेरे ही रास्ते पर चलोगे। ऑल द बेस्ट, विश यू द सेम। धूम धमाल कर दीजिए गुरुजी। दुर्गा सर, बूढ़े को अरेस्ट करो। उसे बचाने के लिए आया था, अपने आप को अरेस्ट करवाने के लिए नहीं। क्या मैं बूढ़े ज्यादा स्टाइल दिखा रहा है? अंग्रेजों से लड़ने वाला शरीर है ये। तुम तो चोर चक्कों से लड़ते हो, मुझसे लड़ोगे? बच्चे हो अभी। बस पर्सन है। काशी, फोन उठा। तुम चुप, तलवार मेरे हवाले करो वरना मुझे गोली चलानी पड़ेगी। डोंट मूव, तलवार अंदर रखो। Keep it down. काशी, उस सत्यनारायण स्वामी को मार दिया ना? इतने बड़े आदमी के होते हुए ऐसा कैसे हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन, वही मंत्री। ए, कौन है तू? बताता हूँ, चिंता मत करो।
तुम्हें एक सूत्र वाक्य पता है? क्या है वो? शांति से ही सफलता मिलती है। कितने लोगों की जान लेकर तू मंत्री बना है, ये तेरी पुरानी कहानी है। बेटे को मारकर बदला लेने की सोचा था, ये मेरी सिंगल लाइन स्टोरी है। ये बात तुझे कैसे मालूम है? इतना ही नहीं, तेरे 50 आदमियों को भी मैंने ही लापता किया था। मेरा नेक्स्ट टारगेट तू है। सूत्र वाक्य पता है ना बच्चे? मालूम है, शांति से ही सफलता मिलती है। अब वो नहीं है बच्चे, आलस्य और अमृत ही विष है। ये! वैसे तू है कौन? अकेला मर्द। अकेला मर्द? कमिंग सून, नए तरीके से मिलूंगा। मुझसे मिलेगा तू, मैं तुझे मार दूंगा। कितने लोगों को मारेगा तू? तू यहाँ पर? अपने बेटे को तुम भले ही भूल गए हो, तुम्हारी सिक्योरिटी उसे नहीं भूली है, इसीलिए अंदर आने का मौका मिल गया। बोनस मिल गया है? हाँ। अंदर तो आ गया है, लेकिन बाहर कैसे? सोचने में थोड़ा डर सा लग रहा है ना। क्यों? मैं आपके पास आया हूं, आप मेरे पास नहीं आए। तू मेरे पास आया है। बाप रे, बात बात पे मार दिया। हम वहां गए तो हमारी गलती थी, यहां पर आना भी हमारी गलती है। मेरे अड्डे पर आकर मुझे ही धमकी दे रहा है तू? इतनी हिम्मत हो गई तेरी? सर, मेरी एक वीकनेस है, थोड़ा गुस्से वाला हूं। मैं अपने अड्डे पर रहकर किसी को मारने में शर्माता हूं, और वहीं किसी दूसरे के अड्डे पर जाता हूं तो बिना सेंटीमेंट उसकी चटनी बनाने में देर नहीं करता। मैंने जो सोचा था इसने ही बोल दिया। बार बार तू एक राजनेता से पंगा ले रहा है। पॉलिटिक्स एक गंदी जगह है, उसमें रहकर तू इतना क्यों उछल रहा है? इज्जत से उनको आशीर्वाद देने की जगह उन पर अटैक करवाता है। वो मेरा लड़का है, मैं जो चाहूं उसका करूं। वो कल तेरा बेटा था, तेरी फैमिली थी, तेरा परिवार था। एक बार मेरे पास आ गया तो मेरी फैमिली मेरा गोत्र है। मेरी फैमिली को हाथ लगाया तो जरूरत से बीपी ब्रेन में अटैक देकर दिमाग को 360 डिग्री घुमा दूंगा। जब दिमाग काम करने लगता है ना तो किसी की बात सुनाई नहीं देती। डर गया ना? तो शॉर्टकट से आया है, मैं स्ट्रेट आया हूं। दोबारा इनके बीच में अगर आया तो तेरे लिए भगवान भी मैं हूं, शैतान भी मैं हूं। ए, मारना मेरे सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए छोड़ रहा हूं। टेक केयर। गधा, नहीं तो किसका क्रियाक्रम होगा? एक बार भी असली में नहीं देख पाता हूं, हमेशा फिल्म में ही देखता हूं। क्या हुआ, मार दोगे? आपकी पूरी जायदाद इस बिनामी शर्मा के नाम है, याद आएगा। तो तुझे कुछ नहीं हुआ, पर तुझे इस तरह छूने से मुझे यहाँ अच्छा लगा। ओ मेरे हैंडसम, तू लड़की है कि क्या है? मुझे मुझे लड़की हूं या नहीं कहता है? मैं खुद ही शर्मा रही हूं, मेरी खूबसूरती देखकर तो खुद ही मेरे पास चला आएगा। Ah!
इश्क में डूबा तू ही मेरे दिल की तमन्ना, जाने जाओ यारा मैं हूँ तेरी महबूबा। जाना छोड़ी अपनी क्या कहना, दिल क्या तो मेरे जान भी लो, जान क्या मेरा ईमान लो। तू है पटाका जवानी तेरी धमाका, दमादम पी जाऊं मैं तेरे इश्क का प्याला। बार कैसे जीते थे, इस बार के इलेक्शन में भी हमारी पार्टी जीतेगी। क्यों दोस्तों? ठीक है, ठीक है सर, हमने करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया था ना, आपका हिस्सा 50 करोड़ आपके स्विस बैंक पे डाल दिए हैं। वो अमाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया होगा, मुझे अभी अपना अकाउंट देखना होगा। आओ। इतना प्यार क्यों आ रहा है? दरवाजा क्यों बंद कर दिया है? कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है? ये क्या सर, कपड़े क्यों उतार रहे हो? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। नहीं सर, स्कूल में सब मुझे ग्लैमर बॉय कहते थे, बचपना था समय वो, ऐसा दिन भी कभी आएगा सोचा नहीं था। चुपचाप अपना मोबाइल का कैमरा चालू करो, होने जा रहा घोर पाप के लिए ये सबूत रखना चाहते हैं। पीछे जा। पीछे जाने की बोल का पता नहीं ये क्या क्या करेगा। आ गया नागराजा। बाप रे, आप जो दिखाने वाले थे ये वो है साहब? वो क्या जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ सर, हीरोइने यहाँ बनवाती है, आपने वहाँ बनवाया है, और कहाँ कहाँ बनवाया है? मुंह बंद करके उस टैटू का फोटो खींच। ये क्या है सर?
किसी का रोल नंबर है क्या? ये मेरे स्विस बैंक अकाउंट का पासवर्ड है। इतने चालाक है आप, किसी को पता न चले इसलिए अपने पिछवाड़े लिखा रखा है। ओहो, मेरे अकाउंट में से पैसा मेरे बिना और कोई नहीं निकाल सकता। मेरे अकाउंट में से पैसा निकालने वाला दूसरा अकाउंट होल्डर कौन है? ब्रांड को ब्लैंक करने वाला वायरस मैं ही हूं। अकेला मर्द, अच्छे लोगों के लिए अच्छा, खराब लोगों के लिए वायरस हूं मैं। तेरी पीठ पर एक सांप है, am I right? शौक लगा ना? पुष्कर में नहाते हुए तेरी खाली पीठ का फोटो आया था, उसे देखकर मैंने तेरा सीक्रेट पकड़ लिया। तूने जो कोड छुपाया उसे मैंने सॉल्व कर लिया। अब तू सोच रहा होगा कि मैंने उन पैसों का क्या किया। अब वो मेरे पास नहीं है बच्चे, तेरा सारा पैसा जनता को बचाने वाली संस्थाओं के अकाउंट में कब का डाल दिया है। तुझे अपना पैसा वापस चाहिए तो तूने जिनको मारा उनका घर और परिवार तुझे चलाना होगा। तूने अब तक जो जाने ली है ये उसका प्रायश्चित है। और तेरे पास जो दौलत है, तेरे जीवन भर की कमाई में तुझसे छीन लूंगा। यही मेरा नेक्स्ट स्टेप है, किसी तरह तुझे तेरे पद से हटाना। कहा था ना एक अलग तरह से मिलूंगा बच्चे। कैसा लगा मेरा परिचय? लग रहा है ना जैसे किसी बाज ने किसी सांप को दबोच लिया हो। सर, सर। वो सीबीआई वाले कहाँ हैं? वायरस। क्यों हॉस्पिटल में कोई चीज की कमी नहीं ना? नर्स खूबसूरत है ना? तुम्हारे पकड़ नहीं पाने के कारण मैं रोड पर नंगा बनकर घूम रहा हूँ। सबको चूना लगा कर चला गया वो। ये कब हुआ? मैंने तो देखा नहीं। आप मुझसे बहुत बातें छिपाने लग गए हैं। अब कौन है वो? वायरस है वो। वायरस कौन है सर? वायरस कौन है तुझे नहीं पता? उसका गुस्सा आप इस पर क्यों उतार रहे हैं सर? अकेले मर्द के बारे में पूछ रहे हैं सर। सर जल्दी पकड़ कर नाचू। 24 घंटे के अंदर उस अकेले मर्द को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ, नहीं तो तुम सबको साड़ी और ब्लाउज पहनाकर मेकअप करवाकर रोड पर डांस करवाऊंगा। याद रखना। कहाँ गया? हमारी ये हालत कर दी। उस अकेले मर्द को छोड़ूंगा नहीं। अकेला मर्द। बोलो कृष्ण, इस तरह का कोई नाम हो सकता है क्या? बोलो कृष्ण। अंग्रेजों के साथ लड़ने वाला आदमी है वो। अंग्रेजों के साथ लड़ने वाला आदमी तो 1945 से पहले का हुआ। दुर्गा एक काम करते हैं, इंटरनेट पर जाकर अकेले मर्द के बारे में कुछ डिटेल मिलती है कि ट्राई करो। वेंकटपुर, राइट, वेंकटपुर कोई जगह है। अब ये जगह कहां पर है सर्च करो। वेंकटपुर अभी वेंकटराज में बदल गया है। वही वेंकटराज थोड़े दिनों में सत्यनारायण हो गया है। वेंकटापुरम मतलब सत्यनारायण स्वामी का गांव है। करें, अकेला मर्द ही तो सत्यनारायण स्वामी का राज्य है। शायद इनका उनसे कोई रिश्ता हो सकता है। रुक जाओ, एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो सोच लो कि इस गांव से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। सत्या, देखो इस बार हम तुम्हारे लिए नहीं आए हैं। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस घर से अकेले मर्द का कोई रिश्ता है। वो क्या रिश्ता है मालूम करने आए हैं। ये एक पवित्र घर है। अगर उनका इस घर से सच में कोई रिश्ता होता तो ये हमारे लिए गर्व की बात होती। वो मामूली आदमी नहीं है, ब्रिटिश काल में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट। अब हमारे देश में रहकर हमारे लोगों की हत्या करने वाला एक देशद्रोही है। देशद्रोही।
कौन है रे वो देशद्रोही? एक बार और उनके बारे में गलत बात की तो काट कर फेंक दूंगी। शत्रु आदमी को भी मित्र समझने वाले इंसान को, देश के लिए संघर्ष करने वाले वीर को देशद्रोही कहते हैं। उनके बारे में तुम क्या जानते हो? तुम महात्मा गांधी के बारे में जानते हो? चाचा नेहरू के बारे में जानते हो? सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हो? लेकिन इन सब के अलावा अकेले मर्द के बारे में मालूम है तुम लोगों को? गो 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 मैं चालू रखूंगा। आज से मैं जन्मभूमि की रक्षा करूंगा। जब तक भारतीय दिल पर हाथ रखकर खुशी से मैं स्वतंत्र हूं नहीं बोलेंगे, भारतीय लोगों की जान की रक्षा करने के लिए संघर्ष करता रहूंगा। यह मेरा मातृभूमि को दिया हुआ वचन है, वचन है। रघुपति राजा राम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजा राम ने ऐसा किया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। कैसी लग रही है डार्लिंग? इस डी ग्रेड साड़ी में तुम्हारी ए ग्रेड सुंदरता अलग ही दिखाई दे रही है। वंदे मातरम। कौन है यहाँ पर? किसने वंदे मातरम बोला है? तुमने ही डार्लिंग। ये साड़ी यहाँ पर कैसे आया? साड़ी लेकर एक औरत आई थी, ये साड़ी तुमने दी है कह कर गई। वो औरत कैसे दिखती थी? सब गुणों में संपन्न हमारी शारदा बेटी को अच्छे मन से उसे अपनी घर की बहू बना रहे हो, इस बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है। नाति चरामी। यहाँ देखो, युग नीति सर्वकाल सभा से लेकर वधू की हमेशा आप रक्षा करेंगे, आपने इसको ये वचन दिया है, इसका ये मतलब है। डकलस, कैसी लगी जो मैंने तेरे लिए साड़ी भेजी थी? डकलस, कूल, ब्यूटीफुल साड़ी। इस गंदी सी डी ग्रेड साड़ी में तुम्हारी खूबसूरती और ए ग्रेड सुंदरता अलग ही दिखाई दे रही है। यही तो मैं देखने आया हूँ। ए ब्लैक डॉग, तुम में से अगर कोई मर्द है तो यहाँ आकर इसे मुझसे बचा कर ले जाए, नहीं तो इसका हाल बहुत बुरा कर दूंगा मैं। किसी का भी सर और आंखें नीचे हुई तो उसे गोली मार दूंगा मैं। इसके कपड़े एक एक करके उतारते समय तुम्हें आगे खोल कर देखना होगा। मुझे मारेगा। कौन सा मर्द है जो तुझे बचाएगा? उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा मैं। तेरे शरीर के एक एक कपड़े को तेरे शरीर से अलग कर दूंगा मैं।
और तुझे नंगा करके इन लोगों के सामने जाऊंगा। छोड़ दो उसे, भगवान के लिए छोड़ दो उसे। छोड़ दो। किस लिए आप लोग डर रहे हो? ये डर ही इसकी ताकत है। ये एक पागल कुत्ता है। बंदूक में गोली के होने तक ये हमें मारता रहेगा, उसके बाद हमारे हाथों कुत्ते की मौत मारा जाएगा। क्या तू अंग्रेजों से टक्कर लेगी? है बोल, बोलती क्यों नहीं? वह के साथ आधा ना मिलाओगे तो बनता है वन, दम ए की मात्रा लगाओगे तो बनता है दे, में आ की मात्रा लगाओगे तो बनता है माँ, ता में ता की मात्रा लगाओगे तो बनता है ता, रा में आ की मात्रा लगाओगे तो बनता है राम। वंदे भैया, एक बार मूछों को ताव दीजिए ना। जनरल को मेरा संदेश दे देना। क्या, किसने हमारे डगलस को मारा? कौन है वो? रघुपति रघुवार राजाराम। आफ्टर ऑल तीन लोगों ने मिलकर डगलस को मार दिया सर। तीन लोग नहीं है सर, एक ही है। वन एंड ओनली मार दिया करके आपके पास संदेश भेजा है सर। कौन होता मैं संदेश था भेजने वाला? मास्टर! फिर कभी ऐसा बोला तो चार टुकड़े कर देंगे तेरे शरीर के। तुमने भारतीयों को समझ क्या रखा है? हम लोग आदमी की इज्जत करना जानते हैं। तुम हमारी इज्जत करोगे तो हम भी तुम्हारी इज्जत करेंगे। तुम हमें मारने की सोचोगे तो हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हाथ जोड़ोगे तो हम लोग भी तुम्हारे हाथ जोड़ेंगे, लेकिन हाथ उठाने पर हम तुम्हारे हाथ से लेकर गर्दन तक काट देंगे। और हमारी भारतीय स्त्रियों के ऊपर अगर कोई अत्याचार करेगा तो उसे मार कर उनकी रक्षा करेंगे। जान हमारी जा सकती है, तुम्हारी नहीं जा सकती। जिंदगी एक होती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें चाकू नहीं लगेगा या बुलेट नहीं लगेगी? जनरल, अब तुम्हें यह भारतीय दो चॉइस दे रहा है। पहली, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो वहां आकर डगलस की बॉडी को आइडेंटिफाई करके हस्ताक्षर करके लाश ले जाना, और दूसरी, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तो वहां पर आकर बिना कुछ भी कहे चुपचाप हमारे झंडे के सामने खड़े होकर सम्मान के साथ जय हिंद कहकर अपने डगलस की लाश ले जाना। वंदे मातरम। उसने जैसा कहा है क्या तुम लोग वैसा ही करोगे? इस हिंदुस्तान से हमारी इज्जत चली जाएगी। तुम लोग जाओ और कुत्ते की तरह उसे मार कर ले कर आओ। Come on, y'all.
जी आदमी, रघुपति राघव राजाराम नहीं है। डकलस का सर काट कर मूछों को ऊपर करने वाला अकेला मर्द है। अकेला मर्द, अकेला मर्द। आइए आइए, अभी सचमुच में अद्भुत शादी होगी। वो देखिए, वही वर है, वो है मेरी शारदा बेटी वधू। अब मंत्र पढ़िए, शहनाई बजाओ। हमारे देश भारत की जनता आराम और शांति से जी सके, इसलिए एक होकर सब लोग साथ मिलकर प्राणों की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहेंगे। क्या अकेला मर्द? इस अकेले मर्द की तरह अगर चार लोग और खड़े हो गए, साउथ इंडिया हमारे हाथ से निकल जाएगा। इंडिया में अहिंसा चारों तरफ फैल रही है। अहिंसा के कारण हमारी आर्मी तबाह होती जा रही है। अहिंसा के कारण जेल में से सब आदमी जेल तोड़कर भाग गए। So, इंडिया को स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, सिर्फ एक शर्त पर। इतने सालों की लड़ाई के बाद ब्रिटिश किंगडम ने इंडिया को स्वतंत्रता दी है, लेकिन उनकी आर्मी को नष्ट करने वाले इनकलाबी को युद्ध कैदी की तरह हमें देना पड़ेगा, ये उनकी शर्त है। युद्ध कैदी में विक्रम राठौर, पंजाब से प्रताप सिंह और हैदराबाद राज्य से अकेला मर्द, ये उन इंकलाबियों का नाम है। हमारा स्वराज का सपना पूरा हुआ, दोबारा इस तलवार की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इसे सुरक्षित जगह पर दफना देते हैं। कॉमरेड्स, इतने दिनों तक जो आपने मेरी सहायता की है, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। आज से आप अपने राज्य में जाकर आराम से रहें, हमें स्वतंत्रता मिल गई है, निर्भय होकर परिवार के साथ रहें। शारदा, ब्रिटिश सरकार की शर्त को मानकर मैं युद्ध कैदी बनकर जा रहा हूं। मेरा वादा है कि मैं फिर से तुम्हारे पास वापस आऊंगा। वंदे मातरम। ऐसे संघर्ष करने वाले आदमियों को लंदन में ले जाकर इन्हीं की वजह से इंडिया को छुटकारा मिला है, ये सोचकर ब्रिटेन किंगडम ने उन्हें सजा सुनाकर उन सब पर अत्याचार किए गए, लेकिन वहां क्या हुआ था ये आज तक किसी को भी नहीं मालूम है। जाकर आऊंगा, वचन दिया था। अपनी बात को सत्य करके ही वो वापस आए। बेटा, जूनियर हो तुम, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। गुरु को अपने लोगों से मरवा कर पूरे ब्रिटिश वाले भी उन्हें कहीं पकड़ नहीं पाए। उनके सामने जब अंग्रेज लोगों ने अपने घुटने टेक दिए थे, उनका बाल भी कोई बाका नहीं कर पाया था। छोटे बच्चे हो तुम लोग क्या कर पाओगे? आकाश और धरती से लेकर उनके लक्ष्यों को पूरा करने से उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। बेटा, ये बेचारे बहुत थककर आए हैं, इन्हें पेट भर के ठंडा पानी पिला दे। दीदी, सारी जनता कह रही है कि वो महान आदमी हमारे घर का हिस्सा है, वो मेरे पिताजी हैं, ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। उनकी बातें सुनी थी लेकिन देख नहीं पाया, अब फिर कभी देख पाऊंगा या नहीं, मन बहुत तड़प रहा है दीदी। हाय एवरीबॉडी, मैं आप सबको एक हॉट न्यूज बताने वाला हूँ। अकेला मर्द का खुलासा हो गया है। स्वतंत्रता सेनानी, लड़ाई लड़ने वाले रघुपति राघव राजा राम, इस देश में एक आदमी से दूसरे आदमी की रक्षा करनी हो तो उसे अकेले मर्द जैसा बनना होगा। अकेला मर्द? सीबीआई ऑफिसर होकर एक खूनी का साथ देना सही है? दो मिनट पहले मैं सीबीआई ऑफिसर था, अभी उस जॉब से इस्तीफा देकर अकेले मर्द का स्वाभिमान करता हूँ।
अकेला मर्द। कल आपकी जान को खतरा होगा तो पुलिस नहीं आएगी, सीबीआई नहीं आएगी, आपके घर वाले भी नहीं आ पाएंगे, लेकिन अकेला मर्द जरूर आएगा। अकेला मर्द? बाय द वे, अकेले मर्द के बारे में हेडलाइन लिख लीजिए, श्लोगन मैं देता हूँ, 100 साल जिए अकेला मर्द। अरे बचा, अरे बचा, कोई मुझे बचा, जल्दी से निकालो। अरे अरे जल्दी उठाओ, जल्दी पहले जाता हूँ, लेट होगे तो जान चली जाएगी। पहले पहले जाता हूँ। नहीं, मैं लेकर जाता हूँ। देखा इनमें कितना बदलाव आ गया है, अकेला मर्द जनता के दिलों में है, इसलिए ये सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ भी हो अकेला मर्द। उससे सीएम की पोस्ट छीन कर रहा हूँ। क्यों रे, ओम वाले टी शर्ट क्यों पहन रखी है? ओम का मतलब जनता है, अकेला मर्द। पब्लिक सब क्रिकेट के साथ सीनियर स्टार को देखने की जगह अकेले मर्द को देखना चाहती है। इतने सालों से आप उनसे दूर रही हैं, आपको उनको देखने का मन नहीं करता होगा? क्यों नहीं मन करता होगा बेटा, लेकिन संघर्ष करने वाले व्यक्ति को अपना लक्ष्य पूरा करना हो तो उसमें रिश्ते नातों को कभी नहीं बीच में आना चाहिए। ए, उस अकेले मर्द को पकड़ने के लिए सीबीआई वालों के पास की बात नहीं, उसके बारे में मुझे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट चाहिए। हेलो, मेरे हैंडसम। तू है, क्या है जानू? मेरी चढ़ती हुई जवानी तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती है। वो क्या है? करके कितनी देर तक एक्सरसाइज कर सकते हो? जब तक शरीर में जान रहेगी। मुझे भी एक्सरसाइज करना सिखाओ ना। तुम अपने बाप से पूछकर किसी से शादी नहीं कर सकती हो किसी क्या? दूसरे से शादी? इस शरीर को सिर्फ तुम ही छुओगे, किसी और ने छुआ तो मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दूंगी। फास्ट फूड राजा, हम शादी कब करेंगे? अभी मैं शादी करने की पोजीशन में नहीं हूँ जानू। अभी तुम्हारी हालत और भी खराब हो सकती है, एक बार मेरी पोजीशन के बारे में सोचो ना फास्ट फूड। उसको क्या हुआ? जवानी कंट्रोल नहीं हो रही है। तुम बहुत बिगड़ गई हो। चुप, तुम शादी नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। होल्ड डाउन, एक मिनट। फर्स्ट लाइन में बहुत देर से भवानी वेट कर रही है। हाँ भवानी। भवानी, निशा, तुम दोनों मुझे प्यार करती हो, इसलिए मैंने एक फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? तुम दोनों से शादी कर लेता हूँ। हाँ? तुम लोग डीपली डिस्कस करके सोच के मुझे फोन करना। बाय। अब फोन नहीं करेंगी? क्या चाल चली है? राजा, ओ मेरे हैंडसम, तुमने जैसे बोला था हम दोनों ने डीपली डिस्कस कर लिया है। क्या डिस्कस किया है? टायर होने पर भी बाइक एक ही होती है, चूल्हे दो होते हैं पर सिलेंडर एक ही होता है। हम दोनों अलग हैं, है। हमारे पति तो सिर्फ तुम ही हो। सोचा था भवानी निशा से छुटकारा मिलेगा, पर यहाँ उल्टा दोनों मेरे साथ चिपक गई। अरे मेरा पीछा छोड़ो। Bye.
ती जरा पहना साड़ी पहना जरा तो आपन तंटा काम ती जरा पहना साड़ी पहना जरा तो आपन तंटा काम ती जरा पहना साड़ी पहना जरा तो आपन तंटा काम ती जरा पहना साड़ी पहना जरा तो आपन तंटा काम हर घर में घड़ियों में भी तो ही सुइया तो भी ना रे यू अकेला कर ले दोनों संच मेला दो फल बा एक शाख पे और दो बर्तन पानी से भरे दोनों ही तक एक देखत और मजा भी एक देवत एक सिक्के में तो है डिटेल दोनों है ले ले मजा भी तेरे साथ दोनों है पहना हो नहीं नहीं गाड़िया जो एक साथ दो चलावे होगा अगर एक्सीडेंट मिनटो मेरे बचाला हो अच्छा ओके लाज नहीं आवत बिल्कुल भी का मस्ती कर ला थोड़ी वरना बेकार बा तो हर जीना कर तू टाइम खोटे मत कर तू हर अंग भड़के तन चलता सारी लट तू हटटू सारी लट तू हटटू पहला दो दिन होगा होकर तीसरा दिन बुधवार को प्यारा कालम अच्छा गुरुवार के होवे संगम ठीक है शुक्रवार के होए छुट्टी वीकेंड की नो संग रहवा हम के तो कभी भी न तंग करियो जिंदगी में प्यार के ही रंग भरियो अब बात सारी बन गई दोनों मुझे मिल गए ये भी दोनों खुश है तो मुझे क्या है मजा आएगा पहना 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 साड़ी पहना साड़ी पहना पा बन जाई तू था कम से हसीना थोड़ी तो शर्म करा थोड़ा तो बदन ढका साड़ी तू रख पगड़े बना मस्ती देखे तभी करवा तो हर जीना दिल माता पा कुछ और ऊंटों पर पा कुछ और पार्टी के सभी सदस्यों फिर से हमारी सरकार बनना तय है तालियां अभी जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी में स्त्री सुरक्षित नहीं है न्याय का पालन नहीं हो रहा है राणा प्रताप जी का आपके लिए फोन इस समय पर उसने मुझे फोन क्यों किया इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है क्या कह रहे हैं इस राज्य में दिन प्रतिदिन जनता को अपनी तरफ करता तुम्हारी तरफ नहीं तुम्हारी तरफ फिर किसकी तरफ है अकेले मर्द की तरफ उसने अपनी अलग पार्टी बना ली ना तो तेरी पार्टी मेरी पार्टी एक झटके में गायब हो जाएगी समझ लेना वो कैसे अगर उसके अच्छे कर्मों को जनता ने देख लिया करते हुए तो वायरस की तरह फैल जाए अरे जब मैं इस भोली जनता को अच्छा समय आने दूंगा तब ना क्या करेगा मैं जो बोल रहा हूँ वो करो एक्टिंग ठीक से करना मिलाकर रख दूंगा हमारे प्राणों की रक्षा करने वाले अकेले मर्द को तुम अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो उनके ऊपर से सारे केस तुरंत हटाने होंगे नहीं तो मैं तुम्हारे ऑफिस के सामने हत्या कर लूंगा चलो। ए, आज मैं अकेला हूँ कल सब आदमी होंगे ये राज पूरा उनकी तरफ से ही बोलेगा एक एक आदमी अपनी जान देगा जला लेगा अपने आप को अरे मुझे बचाओ अब मैं उस मरने वाले के परिवार वालों को 5,00,000 रुपए देने की घोषणा करता हूँ ये तो किए किराए पर पानी फेर देगा सामने अकेले मर्द को बचाने के लिए आत्महत्या करने वाले गणेश के परिवार को मंत्री प्रताप राणा ने 5,00,000 रुपए देने की घोषणा की आज तक मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया अकेले मर्द को बचाने के लिए आत्महत्या करने पर सरकार से मिलने वाले पैसे से मेरी पत्नी बच्चे खुशी से रह लेंगे ये करेक्ट है अकेले
मर्द के ऊपर आप लोगों ने जो केस किया है उसके वजह से उनके प्रियजनक आत्महत्या कर रहे हैं, सर आप वो केस वापस क्यों नहीं ले लेते? ये मेरा काम नहीं है, कानून का काम है। जिन प्राणों की रक्षा के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं उनकी वजह से कितनी प्राणों की आहुति दी जा रही है। उनका करना भी सही है लेकिन वो कानून की नजर में कितना सही है उनके आकर बोलने पर हमें मालूम पड़ जाएगा। तुम्हारे पास ताकत है, पावर है, फिर मेरे लिए ये सब नाटक क्यों? मेरी जान लेने के लिए, मेरी वीकनेस को पकड़कर मुझे बाहर लाने के लिए इतनी गिरी हुई हरकत कर रहे हो तुम? मुझे जान की परवाह नहीं, पर मैं किसी की जान नहीं जाने दूंगा। राज्य के असली हीरो अकेले मर्द पक्ष की पार्टी और विपक्ष की पार्टी के सवालों का जवाब देने के लिए, अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए कलकानी स्टेडियम आ रहे हैं। उन्होंने हमें ये सूचना दी है। शारदा बोलिए जी। युद्ध के लिए जा रहा हूँ। गुरुजी, आज तक आपने पति पत्नी की तरह साथ रहने का सुख नहीं पाया। देश के लिए आप दोनों ने अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी और कितने अपनों को खोया है। आज ये संघर्ष करने का मौका मुझे दीजिए सीनियर। शांत रहो बेटा, ये युद्ध तुम नहीं कर सकते, सिर्फ आप ही कर सकते हो। मैं जल्दी लौटूंगा शारदा। वंदे मातरम। रघुपति राघव राजा राम उर्फ अकेला मर्द, आप जो कुछ भी बोलना चाहते हैं बिना डरे बोलिए। माय डियर जूरी मेंबर्स, डर कर करना, करके डरना, ये सब इस अकेले मर्द के चरित्र में नहीं है। यहाँ खड़ी इस भारी भीड़ को देख रहे हैं, इस जनता को पैसों का लालच देकर ट्रक में भरकर नहीं लाया हूँ मैं। उस समय युद्ध कैदी बनकर ब्रिटिश सरकार के साथ गया था, यही पता है आपको। सच ये है कि हमें गुप्त जगह छिपाकर 50 साल तक हमारे साथ अत्याचार होता रहा। आप बस इतना समझ लीजिए, उन्होंने हमारी जल समाधि बना दी थी। चाइनीज मार्शल आर्ट में सीखी हुई वायु बंधन विद्या के द्वारा मैं वहां से बाहर निकल पाया। मुझे अपना स्वतंत्र भारत देश देखना था, उस विल पावर से देश में कदम रखा। इस देश की ऐसी परिस्थिति देखकर आश्चर्य हुआ। भूमि से प्यार कम हो गया है, जान की कीमत कम हो गई है, भूख से जान जा रही है, इलाज न होने के कारण जान जा रही है। लाख के लिए जान जाती है, हजार के लिए जान जाती है, 100 रुपए तक के लिए जान जाती है, लेकिन उम्र पूरी होने पर अब किसी की भी जान नहीं जाती। हमारे समय में एक जान जाती थी तो घंटों तक उसका दुख मनाया करते थे, लेकिन अब मौत की खबर पेपर में पढ़कर उसे दरकिनार करके पेपर में फेस्टिवल ऑफर ढूंढते रहते हैं। मौत की खबर हमारे लिए बोर खबर हो गई है। माँ के पेट में बच्चे का 2 महीने में गर्भ बनता है, 4थे महीने में पैर आते हैं, 6ठे महीने में आंखें आती हैं, 7वें महीने में सुनाई देता है, और इतना सब होने के बाद 9 महीने में बाहर आने के बाद उसकी जान को बेरहमी से एक क्षण में मार देते हैं। यही मेरे मन के अंदर की बात है योर ऑनर। इसीलिए एक भूखे बच्चे को उसकी माँ जानवर का नाम देकर सुला देती है, अकेले मर्द नाम के जानवर को दिखाकर। बेवजह किसी की जान ली तो वो मार डालेगा ये भय दिखाकर। लेकिन भारतीय नागरिक होने के नाते आप जो कह रहे हैं गलत नहीं है क्या? हाँ, मैंने गलत किया है उस समय जन्म लेकर, और उससे भी बड़ी गलती ये है कि मैं अभी तक जीवित हूँ। Hats off to you old man, सीधे यहाँ पर आकर मैंने ही ये किया है बिना डरे हुए मीडिया के सामने बोलना, आज का ये फैशन हो गया। रेस्पेक्टेबल ज्यूरी मेंबर्स, इस अकेले मर्द को तुरंत फांसी की सजा सुनाइए। नहीं, 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 नहीं होनी चाहिए।
मुझे फांसी दिलाने की सोच रहे हो? जूरी के पास सारे सबूत हैं। नहीं किया है इसके, मेरे पास बहुत से सबूत हैं। फिर दिखाइए। जूरी, अभी तक आप यही सोच रहे थे ना कि मैंने इन सब की जान ली है, जिन भारतीयों के लिए मैंने संघर्ष किया है उन्हीं भारतीयों की जान ले लूं, इतना नीच नहीं हूं मैं। साहब, इस महान इंसान को देखने के बाद ही समाज सेवा के नाम पर धोखा देना गलत बात है, यह मैं जान चुका हूं। इतनी उम्र में रिटायरमेंट ना लेकर सिस्टम के अगेंस्ट सिंसियरिटी से लड़ने वाले इन महान इंसान को देखकर इनके साथ इंसानों की जान को घास फूस समझकर मारने वाले ये बड़े राक्षस हैं। इन राक्षसों का अध्यक्ष कौन है ये सीडी देखकर आपको पता चल जाएगा। तुम दोगे तो पैसा ले लेंगे, नहीं तो जान से मारकर पैसा ले लेंगे। आप तो एकदम पक्की रिपोर्ट की तरह तैयार करें सर। नहीं तो फिर इतने बड़े हॉस्पिटल का एमडी कैसे बनता? उसी को हम एक दिन में 150 बार टेलीकास्ट कर देंगे, यूज सब इसे देखेंगे इससे हमारी टीआरपी कहां तक जाएगी। ए छोड़ मुझे, अरे वो बच्चे तो तेरे ही है ना, मार दे उन्हें। उस मरने वाले के परिवार वालों को मैं 5 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूँ। तू मामूली आदमी नहीं है। प्रताप राणा, ये सिटी मैंने ही दी है। अरे ये बंदर की औलाद कौन है? वो हमारे आदमी है। धत तेरे की।
करके उस अकेले मर्द से हम लोग बच गए। फॉरेन में कुछ महीनों तक एंजॉय करेंगे, उसके बाद स्केच निकलवा कर उसको मरवा देंगे। उस वक्त तक जिंदा रहोगे तब ना। अरे तू फ्लाइट पे कैसे आ गया? सुनो बेटा, स्पॉट पे कैसे आया कब आया ये खास बात नहीं है, किस लिए आया हूँ क्या करूँगा ये खास बात है। क्या करोगे? तुम सबको मार डालूंगा। क्या जान बचाने वाला कभी जान से मारता है क्या? एक बार तुम पर विश्वास किया तो तुमने विश्वासघात किया। कैंसर अगर हमारे पैर में आ जाए और उसका इलाज ना करें तो पूरे शरीर में जहर फैल जाता है, इसलिए अपने पैर को काटना ही बेहतर है। उसी तरह हमारे समाज से जहर को निकाल फेंक देना चाहिए, इसलिए तुम सबको मार रहा हूँ। सर, सर मैं आपके पैर पड़ता हूँ। हमारे में से कोई सीएम नहीं बना है। हमें बचा लीजिए सर। मैं अपने ऊपर बैठे हुए लोगों को बोल के आपको आपको पद दिलवा दूंगा। बूढ़े को मक्खन लगा रहा है बे। पायलट स्टॉप। सुनो पायलट साहब, इमरजेंसी लैंड करो। हाँ कोई पायलट नहीं है, उसे कूदे हुए 5 मिनट हो गए। तू क्या पागल हो गया है? हमारे साथ तो तू भी मर जाएगा। जिस दिन ब्रिटिश शासन के साथ युद्ध किया था उसी दिन से मौत से फ्रेंडशिप कर ली थी। ये मेरी बोनस लाइफ है। अभी फ्लाइट की स्पीड 14,000 किलोमीटर पर आवर उत्तर दिशा की तरफ जा रही है और 20 सेकंड के बाद चट्टान से टकराने वाली है। वंदे माता। शहर से होकर आता हूँ दीदी। आराम से जाकर आराम से आओ। शारदा माँ जी, आप कौन हैं? अकेले मर्द पे जीवन चरित्र लिख रहा हूँ, लेखक हूँ माँ जी। आपको क्या चाहिए? फ्लाइट हादसे में कोई भी नहीं बच सका, सब कह रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आप पहले से ज्यादा खुश हैं। वो 50 साल पहले युद्ध में जा रहा हूँ, वापस लौट कर आऊंगा वचन दिया था। अपने वचन को साबित करने वो आए। अभी भी युद्ध के लिए जा रहा हूँ, फिर से वापस आऊंगा कहकर वचन दिया है। वो अकेले इंडियन हैं जो दिया हुआ वादा पूरा करते हैं। हाँ 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 हाँ